खाओ में, अपने तौर तरीके में, अपने चाल चलन में, हर लिहाज से एक मुनासिब और मुतनासिब खातून होती है और रोल मॉडल वो होती है जो अपनी ज़िंदगी के हर मामले में इसी कायदे तरीके सलीके के साथ ज़िंदगी को गुजारती है। सो मेरा मानना ये है कि आप सबके अंदर कोई ना कोई एक ख़ास खातून मौजूद है एंड वी वैल्यू दैट और हम उसको रिस्पेक्ट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। यही कहना है ए प्लस का, जो क्योंकि हमारा स्लोगन है ये जहाँ है तुम्हारा। सो ख़वातीन के अंदर मौजूद तमाम वो खूबसूरत सलाहियतें जो कि अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें गिफ्ट हैं, हम उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज ENS मॉडल का फाइनल डे, आपने देखा कि तकरीबन 35 ख़वातीन हमारे पहले दिन शो में थी, जिनमें से होते होते आज ENS के ग्रैंड फाइनल में 8 मॉडल्स जो हैं वो शरीक हैं और उनमें से किसी एक के सर सजेगा ENS मॉडल का ताज। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ए प्लस के ड्रामों से लेकर हमारे रैंप पे वॉक करने तक और हमारे जजेस के खूबसूरत ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करने से लेकर फोटोशूट्स में और मॉडलिंग के बेतहाशा जो मौके हैं वो उन्हें आज से ही कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे, उनको ऑफर हो जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि उनके प्रोफेशनल लाइफ का और उनके प्रोफेशनल करियर का आगाज जो है वो हो जाएगा, जो कि उनका ड्रीम है, जो कि डिज़ायर है, जो बड़ी बात है। इससे कि इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये क्रिएट करने का मतलब भी ये है कि हमारी जो ख़वातीन हैं उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, ये दरवाज़ा खड़काओ, उससे बात करो, उसकी मिन्नत करो, मैंने काम करना है, मुझे काम मिल जाएगा, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दें। तो हमने ये प्लेटफॉर्म इसीलिए क्रिएट किया है कि वो ऑनरेबली, रिस्पेक्टेबली और एक अच्छे तरीके से अपने करियर का आगाज़ जो है वो कर सके। सो लेट्स शुड वी स्टार्ट। आज हमारे तीन जजेस जो हैं वो तो हैं ही, यानी हमारे साथ पांचों दिन चारों दिन जो शरीक रहे हैं फिजा, सारा गंडापुर एंड फिजान, तीनों जजेस मौजूद हैं। लेकिन आज चूंकि फाइनल है तो हमने ये भी देखना है कि उनका मैनरिज्म मेकअप में कैसा है, वो ड्रेसेस को कैसे देख रही है, कैरी करी, आपस में तकरार नोक झोंक की सूरत हाल क्या है उसको देख रही है। और हमने दो अपने सेलिब्रिटी जजेस को ऐड किया जिनमें से एक हमारे सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आज उनका मेकअप होगा मॉडल्स पे और वो जज करेंगे कि किस मॉडल ने किस मेकअप को कैसा कैरी किया एंड हु शुड बी द ENS मॉडल। सो प्लीज वेलकम वाजिद खान। कैसे हैं वाजिद? मैं बिल्कुल ठीक है, इतना खूबसूरत सेट है और मैं देख रहा था जिस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है लड़कियों को और बहुत क्या है कि डे वन से मैंने देखना शुरू किया था और आज आखिरी दिन है तो डे बाय डे इम्प्रूव करती चली गई है और कॉन्फिडेंस लेवल, अभी मैंने मेकअप रूम में देखा कि बंटी ने लिपस्टिक लगाई तो वो बोलती नहीं मुझे ये नहीं लगानी, बोलती मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है मैं यही लगाऊंगा, तो बोलती मैंने नहीं लगानी उसको चेंज करना, उसे चेंज करो। और हम आज तक नहीं चेंज करवाते हैं, जो लिपस्टिक निकाल के देते हैं मैं वही लिपस्टिक लगाती हूं। सो क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भरपूर लड़कियों में आ गया। बड़ी अच्छी बात है इस तरीके की जो शो ऑर्गेनाइज होते हैं, जो शो करते हैं, अवेयरनेस आती है और आप एज यू कैन सी नया टैलेंट निकल रहा है और अच्छा बुरा आप खुद ही होते हैं। सो अगर अच्छे से करते हैं तो सारी चीजें अच्छी होती हैं एंड वी होप एंड वी विश कि सब कुछ बहुत अच्छा हो हमारी ENS मॉडल्स के लिए। लेकिन उनमें से जाहिर है कोई एक आज जो है वो ENS मॉडल जो है बनने वाली, एक नई सुबह, एक नई सुबह, एक नई सुबह मॉडल ENS मॉडल कर रहे थे, अभी ये बताएंगे आगे एलिगेंस एंड क्या क्या था एलिगेंट। आप सोच रहे होंगे कि वाजिद किससे पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि हमारी दूसरी सेलिब्रिटी गेस्ट अगेन अ बहुत खूबसूरत टैलेंटेड खातून, प्लीज वेलकम हिना अल्ता। हिना को अगर एक लफ्ज में एक्सप्लेन करना हो तो स्टनिंग इज गुड इनफ, जो कि वो बल्कि स्टनिंग के मुझे लगता है और भी बहुत कुछ ऐड करना पड़ेगा, स्टनिंग काफी। कैसी हो हिना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हम पीछे ना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, मैंने कहा ENS का मतलब क्या है, ENS का मतलब क्या, मैंने कहा एलिगेंस एंड स्टाइल करके कुछ होगा। बिल्कुल सही। अच्छा हमारी एक जज जो है ना हिना, वो बहुत जालिम रही है इस पूरे शो में, जालिम मींस ही शी हरसेल्फ वाज अ सुपर मॉडल, तो उन्हें पता था वॉक कैसे करनी है और किस तरीके से होना चाहिए, पहनना लिबास कैसे, और शी वाज क्रिटिकल ऑल्सो हेल्पफुल। उन्होंने एक चीज मुझे फरा खुशी इस बात की है कि हमारे यहाँ मॉडलिंग को ना बड़ा आसान समझा जाता है और बहुत काफी नेगेटिव भी समझा जाता है, लेकिन इस मॉर्निंग शो से एक बड़ी पॉजिटिव साइड दिखाई जा रही है और ये कि इसमें बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा होमवर्क लगता है,
ہماری نہیں. آپ نے تو کبھی اس طرح سے ریمپ پہ نہیں مانی. میں نے جب ایک دفعہ جب کیا لانچ شوٹس ہم کرتے ہیں میں تو توبہ کر لیتی. آپ کو پتا ٹانگیں کانپتی ہیں. ہم بول تو دیتے ہیں جب آپ ہیڈ ریمپ چل رہے ہوتے ہیں نا واک کرتے ہوئے آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. اچھا نہیں یہ کبھی نہیں کیا. یہ والا میں نے دیکھا ہے نا. لیکن آپ نے کمرشلز تو کیے ہیں نا. تو آج ہم نے اپنی جو ماڈلز ہیں ہم تو ان کو لے کر آ رہے ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں وہ کمرشلز بھی کریں, وہ ریپ بھی کریں, وہ اگر ایکٹ کرنا چاہتی ہیں وہ ایکٹ بھی کریں, اور ان میں سے کچھ کی خواہش ایکٹنگ کرنے کی بھی ہے. تو آپ ہوں گے, واجد ہوں گی, اور میں اپنے تیسرے جج کو بھی یہاں پہ بلاؤں گی جو میں نے کہا کہ شی از اے سپر ماڈل, یو آل آر ویری فیملیئر اے این ایس یعنی ایک نئی صبح ماڈلنگ کانٹیسٹ میں وہ چار کے چار دن بڑی بھرپور طریقے سے شریک رہی ہیں. پلیز ویلکم فیضا. اینڈ میرے دونوں ججز ہیں سارا گندا پور اینڈ فیضان, وہ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن آج ان کے ساتھ تھوڑا سا یہ ہے کہ انہوں نے اوپر بھی دیکھنا ہے کہ کپڑے کہاں چینج ہو رہے ہیں, میک اپ کیسے کیے جا رہے ہیں, کیونکہ بہت لڑائیاں میک اپ روم میں ہوتی ہیں. تو ہم نے ایک دیکھ بھی لیا. اچھا میرے ساتھ بڑی ہوئی, سارا نے میرا لپ کلر چینج کرایا, میرے منہ پہ پورا شمر ڈالا. میں نے کہا یار یہ لڑائی تو ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے, اینڈ دین اس کے بعد وہ ماڈلس کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. ماڈلس کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے وہ بتاتی ہیں. وہ ماڈل بتاتے ہیں کہ وہ یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. بہت کیا ہم نے شروع. اچھا لیٹس ہیو سیٹ. ہم چاہیں گے کہ ہم سیٹ اپنی پہ چلیں, کیونکہ ہماری ماڈلز ابھی اس وقت بہت خوبصورت اٹائر میں ہیں, اور وہ ایک خاص ڈریس جو ہے ایک تھیم پہ کیری کر رہی ہیں. سب پریاں بن کے آ رہی ہیں, پریاں. یہ سرپرائز ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون اس تھیم کو زیادہ اچھی طرح سے کیری کر پاتی ہے. لیکن اس سے پہلے سو ول ٹیک اے شارٹ بریک اور آ رہے ہیں پھر واپس. کہیں نہیں جائیے گا کیونکہ آج فیصلہ ہوگا کہ ہو ول بی ای این ایس ماڈل. جو بھی سوچیں گے جو بھی جج کریں گے بہت اچھا. یہ بتاؤ سلیکٹ اگر کیا جائے تمہیں فرسٹ پہ کوئین بنایا جائے تو کیوں بنایا جائے ای این ایس ماڈل کا؟ کیوں تمہیں کیوں؟ مجھے کیوں؟ ہاں اقرا کیوں؟ مجھے کیوں؟ مجھے اسی لیے کیونکہ سامنے آ جاؤ ذرا, سامنے آ جائیں آپ. یس کیونکہ میں نے تھرو آؤٹ اپنے آپ کو بہت زیادہ تھوڑا بہت مطلب جیسے جیسے ایک ویک لگا اس کو مجھے بالکل نہیں آتا تھا, میں نے یہاں تک پرفارم کر لیا. میرے لیے ایک اچھی اچیومنٹ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے وہی بات کی جو میں اور فضا بھی کر رہے تھے کہ دیر از اے بگ چینج ان یو. پہلے دن جب آپ آئی تھیں اس دن سے لے کر اب تک میں واجد ہے نا, بہت فرق پڑا ہے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے سب سے بڑی بات آج کے دن آپ نے تو واک بھی سیکھ لی. مجھے سب سے پریشان آپ نے مجھے کل اسپیشلی کہا تھا مینشن کر کے بیٹا لپ سنک نہیں کرنی اور ایسے مطلب ایزی ہو کے واک کرنا تھا. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے سکھایا مجھے اور مجھے بہت اچھا لگا. ہم جیتے ہارے ہم فائنلسٹ پہ پہنچ گئے نا, بس یہ اب کرنا یہ ہے آپ لوگوں کو کچھ کمرشلز کی صورتحال کی طرف ہم نے لے کے جانا ہے. سپوز کہ آپ نے اگر ویڈیو شوٹس کرنے ہو بھاجے ہے نا, آپ تو ویڈیو شوٹس کرتی ہو بہت زیادہ, تو ویڈیو شوٹ پہ کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ کیمرا کے ساتھ آپ کیسے کھیلیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے, آپ کو اپنے اینگلز بھی پتا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے تو اب آپ نے ویڈیو شوٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا کیمرا جو ہے وہ یہ ہے, کیمرا اگر آگے لے جا سکیں تو لے جائیں تاکہ اپنا اس میں فیس کر کے لائنز آپ کو اپنی یاد ہیں. کس پروڈکٹ کو سیل کرنے لگی ہیں آپ؟ میں صابن کو. صابن کو اوکے, چلیں ہاں پروڈکٹ دی ہوئی ہے, ٹی وی سی لائنز ہیں ان کے پاس. چلیں جی آپ سیل کریں گی اپنی پروڈکٹ کو, لیکن آپ رکھ سکتی ہیں پھول جو آپ کے ہاتھ میں. اوکے ٹھیک ہے, اور مجھے صابن دے دیا جائے گا؟ صابن دے دیا جائے گا. دیں یار ٹیم ان کے ہاتھ میں پروڈکٹ دیں تاکہ وہ اس کو سیل کر سکیں. سپوز کریں کہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور ہم نے آپ کو ڈائریکٹر نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ میں گرافکلی اس کو یہاں پہ پلیس کر لوں گا, آپ نے یہ ایکٹ کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں صابن ہے اور آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور آپ نے ایکٹ کرنا ہے. میں پہلے سے بتا دوں میری جو لائن ہے نا وہ تھوڑی سی فلرٹی سی ہیں, صابن کے ساتھ مجھے ٹھڑک لگانا ہے, صابن کے ساتھ ٹھڑک لگانا ہے تھوڑا سا, تو اب میں کرتی ہوں صابن کے ساتھ تھوڑا سا ہو جائے. اوکے میرا من کیوں تجھے چاہے اے صابن,
मैं घर आऊं या जाऊं तो मैं हाथ लगाने से बाज ना आऊं। मेरा साबुन मेरे साथ। This is good, मगर मुझे लग रहा है जो आपने हाथ में हैंड माइक पकड़ा हुआ है शायद वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपकी एक्टिंग को और उसको, है ना? Exactly. है? क्योंकि अगर वो लगा हुआ होता है दूसरे वाला, सबको जो है माइक स्टैंड दे दीजिए ताकि वो सब जो है उसके ऊपर परफॉर्म कर सकें, या फिर नेक माइक दे दें जल्दी से फटाफट। ठीक है, माइक नेक्स्ट जो उसमें मैं हम आपकी लाइन जो है उसको दोबारा लेते हैं। ठीक है, तो आ जाइए पीछे। अरिशा, फिजा की फेवरेट मॉडल अगर हम कोई कह सकते हैं तो अरिशा। अरिशा आइए। अभी तक अरिशा, यस, एक और है मगर अरिशा। शहबाज और भी है, बाद में बताऊंगी। जी, मेरा टीवीसी। आपका टीवीसी नहीं, पहले थोड़ा सा अपने बारे में आप भी बताओ कि हमारे दोनों जजेस जो हैं वो नए हैं, कि आपको क्यों ईएनएस मॉडल बनाया जाए? क्योंकि मैंने अपना 100% दिया है डे फर्स्ट से और मुझे लगता है कि शायद मैं जीत जाऊं, लेकिन अगर ना भी जीती तो कोई बात नहीं, यहाँ तक आना भी बहुत मुश्किल था। अच्छा, उनका नाम है अरिशा। अच्छा अरिशा की मुझे एक बात जो मैंने बहुत नोटिस की है, अगर शायद मैं मुस्तकिल किसी को नोट कर रही थी ना मेकअप रूम में, मैं आपको नोट कर रही थी। अरिशा मिरर के सामने ही बैठी हुई थी ना फरा, ये लड़की अपना का मुस्तकिल यूं देख रही थी। हाँ। मुझे तो फैशन मूवी की प्रियंका चोपड़ा याद आ गई थी। मैंने कहा यार, और जब रैंप वो खत्म भी हो गई, आप जब पीछे खड़े हुए थे, आप अपना एक्सप्रेशन लूज नहीं करते, वहां भी खड़े हुए दे रही थी एक्सप्रेशन अपना। तो ये अरिशा की बड़ी कमाल बात है, ये कि अरिशा इस, ऑलवेज, और फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका सब कुछ है। अच्छा चलो जी, मैं यहाँ पे एक ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। देख लिया आपने? मुझे ऐसा लगा कि सब बहुत प्यारी हैं। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि प्रिंट मॉडल क्या होती है, फैशन मॉडल क्या होती है, रैंप क्या होती है, तो यहाँ पे लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप सारे बहुत प्यारे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स किसी को एक को नंबर वन होना है, और कोई प्रिंट के लिए सेलेक्ट हो जाएगा, कोई रैंप के लिए हो जाएगा, कोई इसमें ड्रामे करने लगेगा, बट एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जैसे आपके जो पहले से दूसरी वाली है ना, उनका एक्सप्रेशन पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, वो एक साथ इतने एक्सप्रेशन दे देती है कि आपको समझना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद जब वॉक करते हैं तो आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ करें, भले स्माइल ना करें, बट आप भूल जाएं कि आपके कपड़े बीच में आ रहे हैं या आपका कुछ इस तरीके से आपको मुश्किल हो रही है, तो आपने वो इग्नोर करके बिल्कुल आपने सीधी वॉक करनी है। अच्छा, तो सर वॉक तो उठाते नहीं है हमेशा से, जब पैर में आ रही होती है, लंबी भी हो तो आप पैर को नीचे से हिट इस तरह से करते हैं वॉक में कि वो खुद आगे पीछे हो जाती है, मगर आपको पकड़ना नहीं पड़ता। तो ये पॉइंट्स हम देख रहे हैं कि नो मैटर लंबी है जो भी है, जिंदगी में उठाए नहीं कपड़ों समेत कुछ चीजें किक स्टार्ट होती हैं। तो कल भी आज आपकी एक फॉल्ट थी, वो मैं अभी बता रही हूँ, सारों में नहीं थी ये फॉल्ट, आज आप में थी। एक आपने पोज मारा जब यहाँ पर आके, तो हुई। अच्छा, मेरा ख्याल है हम जजमेंट नहीं पहले देना शुरू हो गए, लेट्स नॉट, लेट्स कीप इट इन पॉइंट्स बिकॉज वी हैव टू गो, अभी तो बहुत कुछ है जो कि आप लोगों ने करना है। एग्नेस, आपके ड्रेसेस हैं इन्होंने पहने हुए, एग्नेस हैरिसन के ड्रेसेस हैं जो कि पहने हुए हैं, तो आपके हाल में किसने सबसे अच्छा कैरी किया हुआ है? हेलो एवरीवन, which one model? Everyone is very graceful, but the second one was carrying a very, you know, second one comfortably, बहुत अच्छी कर रही हैं और बहुत slow, जैसा कि एक wedding gown में चलना चाहिए, she's walking like, you know, very smoothly and बहुत अच्छा लग रहा है उनका, बिल्कुल सही, good, otherwise everyone is very graceful, big clap for them. Agnes एग्नेस ने जो पॉइंट दिया ना हिना, वो बहुत है कि हर ड्रेस की एक अपना मैनरिज्म होता है कैरी करने का। हर ड्रेस को कैरी करके ना आप यूं वॉक नहीं कर सकते, आपको उसको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू ड्रेस के मैनरिज्म का, कि अभी हम पॉइंट्स की हद तक रखते हैं, लेकिन अभी भी जो मैं देख सकती हूँ, बहुत दो या दो ही होंगे अभी लड़कियों में से जिनके ना अभी कॉन्फिडेंस उबल रहा है। अभी भी आप में से जो एक नर्वसनेस फैक्टर होता है ना, वो मैं सेंस कर सकती हूँ और हम सब भी कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट राउंड में वो चीज ना आए। ठीक है, अच्छा ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर टीवीसीज़। ठीक है, हमारी टीम जब तक रखती है, इनको प्रिपेयर करती है माइक के लिए और हम उसको अरेंज करते हैं। हमारी जजेस जो के ऊपर मौजूद है, सारा गंडापुर इज हियर।
ساتھ چل رہے تھے اوپر میک اپ میں جبکہ یہ سب لوگ تیار ہو رہے تھے بالکل صحیح کیونکہ آج سارا ہوتا ہے فیضان نے دیکھنا ہے کہ آپ لوگ میک اپ میں لڑتے جھگڑتے ہیں کوآپریٹ کرتے ہیں کون زیادہ میک اپ آرٹسٹ کے ساتھ اس جگہ پہ جہاں پر کہ آپ بیک اسٹیج ہوتے ہیں اس کا مینجمنٹ پروفیشنلزم اس کے اندر ہے وہ چیزوں کو اسٹریس کو کوپ کر سکتا ہے ڈیل کر سکتا ہے سو سارا انفیضان اس سے اوپر موجود ہے تاکہ آپ لوگ ان ساری چیزوں کو نوٹس کیا جا سکے اوکے اب آپ آ جائیے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب پیدا ہوتے ہیں پیدا ہونے سے اب تک کے لیے مجھے پتا ہے کہ میرے پہ کیا چیز زیادہ پیاری لگے گی ٹھیک ہے سو سم ہاؤ کبھی کبھی جو میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سٹبرن سخت ہو جاتے ہیں نہیں ہمیں زیادہ تو سن کے اگر کر لیں تو بیچ کی اچھی چیز بن جاتی ہے کیونکہ آپ شروع سے اپنا میک اپ کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں آپ کو اپنے بالوں کا پتا ہوتا ہے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ہائی لائٹ کا اتنا استعمال کیا جائے یا لپسٹک کو اتنا برائٹ کر دیا جائے کہ آپ ایلین لگنے لگے بالکل ہر چیز کو کم کم کر کے لگائیں تو ہاں بیلنس لگا کے کریں گے تو زیادہ اچھا ہے اوکے آپ کے پاس آپ کا باکس موجود ہے میجک باکس اس کو کھولیے جو اس میں پروڈکٹ ہے آپ اس کا سی سی کریں گی اور آپ اس کو ایکٹ کریں گی جیسے ہنا پیارا سا ایکٹ کرتی ہوتی ہیں کمرشلز میں ہنا کی تو کیا بات ہے ہنا کی تو کیا بات ہے لیکن آپ ہنا کی طرح کیا نکلا ہے لپسٹک اوکے سو آپ نے ہنا کی طرح سیل کرنا ہے میں بار بار کہ ہنا کی جو ہے نا ویڈیو شوٹس اور ویڈیو جو ان کے ہیں کمرشلز وہ کمال ہیں فریج بیچنے سے لے کر تو ہر ایک چیز تک بڑی کمال بیچ لیتی ہے جی میرا تھوڑا فنی ہے اور میں تھوڑا ڈبل رول کرنا چاہوں گی اتنا اچھا تیار ہوئی ہوں لیکن پھر بھی وہ میری طرف دیکھتے بھی نہیں کچھ تو کمی ہے جی ہاں آپ کی پرابلم کا سولوشن میرے پاس ہے میں لائی ہوں آپ کے لیے دل بہار سرہی یہ دل بہار سرخی تو نہیں تھی یہ تو کچھ اور تھا سرہی ہے سرہی یہ سرخی ہے وہ سرخی کے ساتھ کیا تھا دل کو بھائے ہر کوئی ہونٹوں کو سجائے دل کو بھائے ہر کوئی دیکھتا ہی رہ جائے تو پھر دیر کس بات کی ابھی آرڈر کریں کیونکہ اس کی قیمت ہے صرف 200 روپے پانچ ہزار والی اوکے اگر آپ بھی میری طرح پریٹی دکھنا چاہتی ہیں تو آپ میری بتائے ہوئے باتوں پر عمل کریں لائک میری لپسٹک سب سے بیسٹ نو میٹر اٹس پرائس از 5000 بٹ اٹس ٹو مچ جب آپ اسے لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اتنی سیکسی نظر آتے ہیں کہ آپ جس محفل میں جائیں لوگ آپ کو دیکھتے رہ جائیں گے سو ویٹ مت کریں ابھی آرڈر کریں دل بہار سرہی سنسر بورڈ سینسر بورڈ نہیں پاس کرنے والا یہ کمرشل یہ کمرشل نہیں چلنے والا دل کا بھائی وہ دل نہیں تھا دل گردے پھیپھڑے ایسے کیا تھا ایسے ایسے کیا کیا تھا اچھا ہانیہ تھینک یو سو مچ اب آپ کے بعد ہانیہ کے بعد اریشا کا میجک باکس دیں جی جلدی سے اریشا کا میجک باکس لے کر آئیے اریشا اس میں سے پروڈکٹ نکالیں گی اوکے اریشا اپنی پروڈکٹ نکالیں گی اینڈ کیا نکلا آپ کے لیے واچ کو کیا کہتے ہیں ادروائز گھڑی تو آپ نے گھڑی کا اشتہار کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے ہر گھڑی بدل رہی ہے روپ زندگی میری گھڑی ہر وقت اچھا وقت اور بر وقت اگر آپ بھی چاہتے ہیں ایسی گھڑی تو جلدی آن لائن آرڈر کیجیے کیونکہ یہ 50% آف پہ ہے تھینک یو نو دس لاکھ کی گھڑی ہے وہ والا کمرشل اب بنا کے دکھاؤ اچھا نہیں اگر یہ گھڑی چوری کی ہے اور پھر مارکیٹ میں بیچ رہی ہو ہاں پھر کیا کرو گی پھر کیسے
कैसे बेचोगे, डरी भी हो, घबराई भी हो? नहीं नहीं, टीवी से, टीवी कमर्शियल की बात करें फिजा, तो चोरी की भी नहीं बेच सकते? नहीं यार, अच्छा नहीं, टीवी कमर्शियल है वो, मुझे धीना ने कहा है कि एक्सपेंसिव, इट इज द वॉच, तो फिर कैसे बिकेगी? बैकग्राउंड में म्यूजिक होना चाहिए, जस्ट बाय इट, यू लुक सो क्लासी, हाय हाय, वाओ, बेहतर किया, बेहतर किया, थैंक यू वेरी मच अनिशा, थैंक यू वेरी मच। सो अब हमारी जो नेक्स्ट मॉडल है, आप आइए। सो जल्दी से अपना मैजिक बॉक्स खोलेंगी आप, आपके लिए भी एक प्रोडक्ट निकलेगी और आप उसका टीवीसी करेंगी और हम देखेंगे कि क्या क्या निकला। मैम काजल, काजल, ओके सही, यूज करूं? गाइस ये है काजल, इसको आंख में लगाने से क्या था? मेरा काजल आंख को बना देता है हसीन, मेरा काजल आंख को बना देता है हसीन, आगे आंख में आंसू भी आए, क्या था? एक मिनट में, बहन जी भूल गई, नहीं नहीं चलो याद कर लो, थोड़ा सा टाइम ले लो, लंबे लंबे सांस ले लो, वैसे ये ना आपके साथ होता है? मेरे साथ तो बहुत होता है, मैं तो सांस में होती हूँ, मैं दो लाइन देने के बाद कहती हूँ सांस लेने दो मुझे। मेरी आंख का काजल हर आंख को बना दे हंसी, आंसू आए या ना आए मेरा काजल बह ना पाए। लेकिन काजल वही का वही है, काजल से थोड़ा खेलती या इससे ना? हाँ काजल से, यही काजल है ना? मैम एक मिनट, हाँ एक मिनट, अपना भी कर सकती हूँ ना? सब कर सकती हूँ, अपना ही करें। कजला मोहब्बत वाला अखियां में ऐसा डाला, कजला ले लो मेरी जान। मुझे लगता है आप तो जाके पाँव भी पकड़ लेंगी, काजला ले लो मेरी जान। हाँ ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और बाकी जो हमारी मॉडल्स हैं उनके टीवी सीज हम देखेंगे ब्रेक के बाद। तो भाई कॉन्फिडेंस के साथ करें सारी चीज़। ये भी मैं बता दूँ, तलबिया यू आर द सेकंड मॉडल जो मेरी फेवरेट है। सेकंड? यस। ओके। बोथ आर लाइक आर्शिया और यू, बोथ आर माय फेवरेट। मुझे तो खैर सभी प्यारी लग रही होंगी। मुझे भी बहुत प्यारी लग रही हैं सभी। चलें जी। ये मंचन है तो मैं ऐसे थोड़ा जैसे और तरीके से और तरीके चले। अच्छा किसी को यूज कर सकती हूँ इनमें से, मतलब सेलिंग के लिए किसी को कह सकती हूँ, मतलब इस तरह ना? अच्छा चले, हमें सेल कर रही हो ना? ओके, आज टीवी के अंदर से हम सारे आपको देख रहे हैं, आप टीवी पे। मंजन ले लो, मंजन जादुई मंजन, बस में नहीं बेचना है, टीवी में बेचना है। थोड़ा सा फनी स्टाइल है ना आगे सब, टीवी पे बेचना है। मेरी खूबसूरत मुस्कुराहट का नाम, मेरी खूबसूरत मुस्कुराहट का नाम मेरा जादुई मंजन, लो ना मंजन। इज दिस योर बेस्ट शॉट है ना? हाँ, इज दिस योर बेस्ट शॉट? और कुछ कर सकते हो उसके अलावा? हम कैमराज हैं आपके लिए आज, और कुछ कर सकते हो इसके अलावा? मुझे मजा नहीं आया, मैं सिर्फ इतना बता दूं। अपना कुछ करना है, कुछ कुछ और ट्राई करके देखो। ये अपना ही कर रही हैं, अपना का है ये जाती अपना, वरना कुछ और, कुछ और। जिस तरह के लफ्ज यूज कर रही हैं ये अगर पहले गुजरे होते हमारे उसमें से तो सेंसर हो चुके होते, मगर ये अपना ही कर रही हैं इसलिए बोल रही हैं। तो वो जिनको लाइंस दी थी, जिनको याद करने के लिए दी थी वो, हाँ आप उन लाइंस में से कोई बोल दे जो आपको टीवी सी लाइंस दी गई है वो बोल दीजिए। मंजन मेरी खूबसूरत मुस्कुराहट का नाम डिन टॉनिक मंजन। अबे नहीं यार, लाइन भी याद नहीं की है, है? कैसी मॉडल हो तुम, कितनी खूबसूरत लाइन दी है, लाइन जो मैं बड़ा परेशान रहता था अपने पीले दांतों से, लेकिन मुझे मेरे मंजन ने सपोर्ट किया, है? हाँ? जब से मैंने मंजन यूज किया तो मेरी स्माइल पे चार चांद लग गए हैं। तुम्हारी लाइन अच्छी हो ना, फिजा हो ना, ये लाइन है, इसको चल के बताओ कि ये लाइन कैसे होगी वहाँ जाके। हाँ ना, इसको बताओ मैं ना। इससे अच्छा बताती हूँ, चलो बताओ। देखिए ना यही बात है कि यही हम ढूंढ रहे थे, अब जो मैं आपको करके दिखाऊंगी, ये है हमारा ब्रेन, जब आपको टास्क दिया जाता है तो आपने करके बताना, ठीक है? देखिए
And you're my camera, all right? ठीक है. पहली बार उनके घर वाले हमारे घर आए थे, सब कुछ ठीक लग रहा था कि अचानक मेरी नज़र मेरे दांत पीलों पर पड़ी. मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, मैं तो हंसते हंसते रुक गई. फिर मैंने मेरी सहेली से मेरे पीले दांतों के बारे में पूछा. उसने बताया कि तुम ये मंजन यूज़ करो और उसके बाद तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाएगा. शुक्र है इस मंजन में, इस मंजे ने काम कर दिखाया. आज इस खास दिन पर अब मुझे कोई कमी नहीं. क्या मंजन में चाय भाई, वाह वाह वाह. क्या लाइनें हमने सुननी थी, कुछ बना के कोई हमें देता, हमें कुछ मिल नहीं रहा था, तो हम पॉइंट ही नहीं दे पा रहे अभी. देखो लेकिन जाहिर है क्योंकि फिजा इंडस्ट्री में एक तो बहुत पुराने, शी इज रिफाइंड, शी इज फाइन एट हर वर्क, शी इज, लेकिन लाइंस होना हो, एटलीस्ट एक्सप्रेशंस तो हमें दे देती बस. चलो ये लाइंस आपको दी गई थी है ना, ये लाइंस जरा आप पढ़ के बताइए कि लाइंस कैसी हैं. आप तो इतने कमर्शियल. ये है मेरा जादुई मंजन, मेरे दांतों की खूबसूरती का अनोखा राज, मंजन लगाइए और खुल के मुस्कुराइए. सही है, बहुत अच्छी लाइन थी. कोई वल्गर लाइन भी दीजिए कुछ ऐसी. ले ली ना. अच्छा है ना, इसको आप पढ़ दे लाइक ए टीवी सी. अच्छा. आप कर रही है तो आप कैसे पढ़ेंगी. आप ये लाइन आपको दी गई थी, यू आपने याद नहीं की. ये है मेरा जादुई मंजन, मेरे दांतों का खूबसूरत राज, मंजन लगाइए और खुल के मुस्कुराइए. ओके तो तबिया थैंक यू सो मच जी. अब नेक्स्ट आइए, अपना प्रोडक्ट तो निकाल लें, वो अभी से डर रही है. और ये मेरी तीसरी फेवरेट मॉडल है, ये भी बता दूं. अच्छा ओके, तो अल्लाह खैर करे. आज आपकी फेवरेट मॉडल्स हैं जी, क्या निकला? ब्लेंडर्स, व्हाइटनिंग क्रीम. ओके ठीक है, व्हाइटनिंग क्रीम. ये करे हर एक की रंगत गोरी गोरी, कोई आपसे मांगे तो आप कहें सॉरी सॉरी. ये है मेरी व्हाइटनिंग का राज, जो करे आपकी छाइयों, महासों, कीलों का इलाज सिर्फ 5 दिनों में और सिर्फ 100 रुपये में. ये है मेरी खूबसूरती का राज. That's it. आपने इंतजार भी नहीं किया कि हम आपसे कहें कि शुक्रिया बहुत बहुत. चलो टेक टू चल रहा है, टेक टू. हाँ टेक टू. दूसरा टेक. सही नहीं हुआ, जरा सा क्रीम को थोड़ा सा ऊपर कर लें. अच्छा टेम्पो बढ़ाएं जरा, आवाज का टेम्पो बढ़ाएं, आपके फेस एक्सप्रेशंस खुद जरा निकल के आएंगे. और आपके तो लहजे में पहले ही इतनी शर्मिंदगी है कि मुझे लग रहा है कि क्रीम कुछ नहीं करने वाली. हाँ तो आपने तो इतना पक्का होके बोलना है कि मुझे एक दफे लम्हे के लिए लगे कि यार वाकई कहीं क्रीम में कुछ कर तो नहीं देगी 5 दिनों में. जी ये करे हर एक की रंगत गोरी गोरी, कोई आपसे मांगे तो आप कहें सॉरी सॉरी. ये है मेरी खूबसूरती का राज, जो करे आपके छाइयों, कील, मुहासों का इलाज सिर्फ 5 दिनों में और सिर्फ 100 रुपये में. सो आप इसको खरीद सकते हैं, ये आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी है. और जो सर पहले की दो लाइंस है ना वो बेस्ट दे दो, वो बेस्ट दे दो. हाँ दोबारा टेक थ्री एक्शन. ये करे हर एक की रंगत गोरी गोरी, कोई आपसे मांगे तो आप कहें सॉरी सॉरी. नाइस ओके थैंक यू जी. चले जी साबुन साबुन साबुन. कुछ नया करना है? पुराना वाला उसे ले रहे थे. हाय मेरा साबुन इसमें मौजूद. मैं साथ साथ आपको ये, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप लोग अपने लिए कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं. या मॉर्निंग शो होस्ट ना बने, मॉडल बने. कमर्शियल वाला एड चल रहा है, एड. ये मॉर्निंग शो होस्ट स्टाइल है. मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या है. साबुन सादिया, मैं अपने कील, मुहासों से और ड्राइनेस से बहुत तंग हूँ. इतने हार्श केमिकल्स होते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता मैं कौन सा साबुन अप्लाई करूं. साबुन, तुमने कभी ENS का स्पेशल साबुन यूज किया? अब आया ना ब्रेन. नहीं
उसमें क्या है? उसमें तो मैं ये बताती चलूं, उसमें किसी किस्म का कोई भी केमिकल मौजूद नहीं है. उसमें मौजूद केसर, हल्दी और शहद जैसे गुण मौजूद हैं जो आपकी स्किन को बनाए नरम और मुलायम, और आपकी स्किन में जो ड्राइनेस, रिंकल्स और पिंपल्स स्पॉट है उनको करें खत्म. तो अभी जाइए और ENS मॉडल से रब्ता कीजिए अपने साबुन के लिए, और तुम इसको इस्तेमाल करो, देखना तुम्हारे गाल कैसे गोरे गोरे हो जाएंगे. And you have again convinced के यार इंसान के पास दिमाग होना चाहिए, वो खूबसूरत दिखता है, वो लगता है. इकरा, thank you so much. Welcome. Thank you. आइए. इकरा कमल. बहुत अच्छा था. बहुत. कौन सा? इकरा कमल. जी. अब आपका नाम क्या है? अमरीन. 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 It's a shampoo. Okay. And मैं दो कैरेक्टर प्ले करूँगी. आप हर टाइम शीशे में अपने आप को देखती रहती हैं, ऐसा क्या सोचती रहती हैं? वो क्या है ना कि उसका और मेरा रिश्ता ही ऐसा है, वो हर टाइम मेरे ज़हन में होता है, और उसकी वो महक जब से वो मेरी जिंदगी में आया है ना, मेरी जिंदगी में तो बहार आ गई है. हाय. और पता है तुम्हें, जब मैं ऐसे क्यों देख रही हो तुम? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं आप ही? तुम क्या समझ रही हो भाई, मैं तो अपने शैम्पू की बात कर रही हूँ. हाँ, तुम्हें नहीं पता मैंने अभी पिछले महीने ही नया खरीदा था, और इसका रिजल्ट तुम खुद ही देख रही हो. अपने आप को मैं शीशे से हटा ही नहीं पा रही. हाँ, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो. तुम भी इस्तेमाल करो, तुम भी शीशे से आगे हट नहीं पाओगी. ये वो इंडियन कमर्शियल लगा जब आखिर तक आपको प्रोडक्ट का नहीं पता लगता, आपको बिल्कुल आखिर में आके पता लगता है कौन सी चीज बेची जा रही थी. ठीक है. Is this your best shot? बहुत लंबी ऐड थी. हाँ, बहुत लंबी. थोड़ा छोटा करें इसको. पूरी ड्रामा सीरियल सोप था. बहुत लंबा ऐड था, थोड़ा छोटा करें. हाँ, छोटा करूँ? छोटा. कुछ अपना नया, दो कैरेक्टर से हटके कर दूँ? हाँ, कोई दो तीन सेकंड का. दो तीन सेकंड का. Your time starts now. मेरे लंबे और खूबसूरत और घने बाल सिर्फ है मेरे शैम्पू का कमाल. वो कहाँ है? उन्हें रख दिया था है ना? क्या हो रहा है? और ना तो बालों पे कोई हाथ देख रही हूँ. बाल तो मेरे खुले ही नहीं है ना. खुले हो ना खुले हो, बहन है अभी कोई जस्टर मार देता है. इसे बाल बना लो. हाँ चलो. शैम्पू का लड़का बना सकती हो. टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस, टाइम स्टार्ट्स नाउ. मेरे लंबे घने और खूबसूरत बाल सिर्फ है मेरे शैम्पू का कमाल. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. आप देख रहे हैं ENS मॉडल फाइनल आज राउंड, जिसमें कि फैसला होगा कि जीत का ताज किसके सर पे आने वाला है. हमारी साथ में से कोई एक मॉडल बनेगी ENS मॉडल, वो कौन है जानने के लिए साथ रहिए. Himself was a designer, so he was always very critical, quietly watching, not much talking. लेकिन point scoring में हमेशा फिजान के points में बहुत important थे. So big hands of applause for him. अच्छा फिजान. अच्छा फिजान ने दुपट्टा setting से लेके उनको wrapping से लेके उनको कपड़े पहनाने से और choose कितने अच्छे. सुबह जब कपड़े थे ना, मैं कहती थी फिजान मुझे नहीं समझ आ रहे क्या होगा क्या होगा. फिजान ने कहा होगा, कुछ होगा, सब ठीक हो जाएगा. And I was so panicked. लेकिन अब मुझे नजर आ रहा है कि वाकई बहुत अच्छा फिजान. It's all and I am also wearing Fizan's dresses. आप काफी दिनों से पहन रही हैं और I am enjoying it. Fizan's also wearing. I'm also wearing Fizan. Yeah. And Rizwan's jewelry. अच्छा जी. अब आते हैं हम कि इनमें से कौन बनने वाली है ENS मॉडल. ऑडियंस, आप किसी एक का नाम नंबर पुकारना चाहें तो पुकार सकते हैं. अपने नाम एक एक दफा सबको बता दीजिए विद योर नंबर्स, ताकि सबको पता चल जाए कि हु आप कौन है. फिर हम जब रेटिंग करें तो हमारी ऑडियंस को भी पता और व्यूअर्स को भी पता. नंबर्स पे ना दें. हाँ
हैश टैग दे दीजिए इनको, हैश टैग 2 अरिशा बलोच जी, इकरा कमल हैश टैग 16, इकरा कमल हैश टैग 16 जी, सल्बिया राजपूत हैश टैग 20, हैश टैग 20 जी, हानिया हैश टैग 8 ओके, निशी बाजवा हैश टैग 9, हैश टैग 9 ओके, इकरा वाहिद हैश टैग 17, इकरा वाहिद हैश टैग 17 जी, अमरीन चौधरी हैश टैग 7 7 ओके। सो ये है हमारे मॉडल्स, आपको नंबर नाम पता चल गए, अब हम इनके टैग्स भी पहनाते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन क्या है। अच्छा मैं चाहूंगी कि एक दफा हम इनको ग्रैंड फिनाले में देख लें, फिनाले देख लें कि ये फिनाले में कैसे कैरी करती हैं और वॉक करती हैं, ठीक है? देखना चाहेंगे आप लोग? ओके, सो एक खूबसूरत सा सॉन्ग हम चलाएंगे और आप फिनाले करेंगे आप सब लोग, और एक दफा फिर जो गलतियां की हैं रैंप पे उसको बेहतर करने का मौका मिल रहा है कि आप कम से कम दोबारा जरा कॉन्फिडेंट हो जाएं, अच्छी तरह से उन चीजों को इम्प्रूव कर सकें। ओके, सो एक खूबसूरत सा इनका फिनाले देखते हैं कैसे रैंप पे अपने आप को कैरी करती हैं और फिर हम अगले अपने टास्क की तरफ आएंगे। तो क्या है, पहने हुए हैं जेवर बाय रिजवान ज्वेलरी और ड्रेसेस बाय फिजान, ठीक है, और सब बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत माशाल्लाह। लेकिन अब हमने चलना है थोड़ा आगे, खूबसूरती दो तरह की है, एक फिजिकल अपीयरेंस है रैंप पे जो आप हैं और एक वो है जो आप इन पर्सन खूबसूरत हैं, मेंटली जितने आप ज़हनी तौर पे जितने आप खूबसूरत हैं, यकीन कीजिए अगर आप ज़हनी तौर पे खूबसूरत हैं तो आप अपीयरेंस में भी खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन अगर आप खूबसूरत दिखते हैं और आप मेंटली इमोशनली सोशली नहीं है उतने खूबसूरत तो फिर वो रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं। सो विल कम टू दिस टास्क नाउ, ओके, ठीक है जजेस। अब हम अपने दूसरे मरहले की तरफ आने लगे हैं जहां पर मैं आपको एक चांस दे रही हूं, एक मौका दे रही हूं, आप अपने समेत किसी एक को सेव कर सकते हैं, या खुद को सेव कर सकते हैं या अपने किसी एक साथी को सेव कर सकते हैं। मुझे माइक दे दीजिए, किसको सेव करना चाहेंगे आप अपने समेत किसी एक को सेव कर सकती हैं। किसको सेव करना चाहेंगी? हानिया। ओके हानिया, आप अपने समेत किसी एक को सेव कर सकती हैं, जल्दी इन सेकंड। तलबिया आप किसको सेव कर, हाँ अरिशा, अच्छा आप किसको सेव करना चाहेंगी? इकरा। ओके आप किसको सेव करना चाहेंगी? 16 नंबर। 16 कौन है? अच्छा ठीक है, और आप? इकरा। इकरा 17. इकरा वाहिद को करना चाहेंगे, ओके, और आप? मिशी। हु इज मिशी? मिशी आप में से किसी ने अपना नाम नहीं लिया, मैंने कहा था अपने समेत, तो आप चाहेंगे आपको एलिमिनेट कर दिया जाए और इन लोगों को सेव कर लिया जाए? That is what I asked. That was the very question. The question was, आप अपने समेत किसी एक को सेव कर सकती हैं। Who would that person be? वो कौन होगा? So मैं दोबारा से पूछती हूँ, कौन होगा? तलबिया। आप में और तलबिया में अगर choice हो, you would like कि तलबिया को सेव कर लें, आपको eliminate कर लें? अपने साथ, अपने समेत। नहीं, या आप खुद को सेव कर सकती हैं या किसी एक बंदे को सेव कर सकती हैं? Then me. You, yeah. आप अपने आप को करेंगी? Me. Obviously me. Okay. आप अपने आप को करेंगी? I'll save myself. लेकिन यही आपका टेस्ट था कि आप जब बात आती है जजमेंट पे तो आप कितना बियॉन्ड योर सेल्फ देख सकते हैं, exactly. आप में से कोई देखता है या नहीं देखता, एंड नन ऑफ यू चोज टू सेव समबडी एल्स जबकि आपका अपना स्टेक भी इन्वॉल्व हो, एंड दिस इज़ अ वेरी ह्यूमन फैक्टर जो होना चाहिए किसी भी अच्छे प्रोफेशनल के अंदर, कि वो अपने अलावा भी देख सके लोगों को और उसको भी वैल्यू कर सके। सो यहाँ पे ऑल ऑफ यू माशाल्लाह से पास्ड इन गुड मार्क्स, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टास्क में जाने से पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी और ब्रेक के बाद आपको दोबारा वेलकम करूँगी, और आज हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं ANS मॉडल और फैसला होने वाला है कि जीत का ताज किसके सर पे सजेगा, और फैसला कर रहे हैं हमारे खूबसूरत ग्रैंड जजेस जिसमें ज्यूरी में हमारे साथ आज जो है रिजवान ताज साहब भी शामिल हैं। सो एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। ठीक है, और उस पे जाने से पहले मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल आप लोगों से करना चाहूंगी, मेरे माइक दे दीजिए उस सवाल के जवाब के लिए। माइक, किस सोशल कॉज को आप सपोर्ट करती हैं और क्यों? ड्रग्स व्हाट? मुझे ड्रग्स हॉस्पिटल क्या मतलब?
मतलब जहाँ पर जो बच्चे ड्रग्स लेते हैं उनको सेव किया जाता है। आपको कॉज, मैं सोशल कॉज की बात कर रही हूँ जिसको आप सपोर्ट करेंगी या करती हैं दिल से। ओके जी, वुमेन राइट्स। वुमेन राइट्स उसका मतलब क्या है? औरतों के हकूक बहुत सारे हैं क्या? बहुत क्या बहुत सारे हैं इस्लाम में, औरतों को बहुत सारे हकूक दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में उस चीज़ पे नहीं फोकस किया जाता। बहुत सी लड़कियां हैं जो नहीं पढ़ पा रही हैं, बहुत सी लड़कियां हैं जिनके साथ हेल्थ में, फूड में फ़र्क किया जाता है। बहन भाइयों में भाई को ज़्यादा दिया जाता है तो बहन को कम दिया जाता है। लड़का बाइक चला सकता तो लड़की नहीं चला सकती। लड़की पर कंपल्सरी है कि वो बिल्कुल बाउंड रहे, अपने वो बिल्कुल डरी और दबी रहती है। इसीलिए आज शायद वो चीज़ है कि हम यहाँ अपने आप को इतना कॉन्फिडेंटली फील नहीं कर रहे या दिखा रहे, क्योंकि हमारे में भी वो चीज़ शायद कहीं ना कहीं है कि हमें दबाया गया है। ओके जी, विच सोशल कॉज यू विल सपोर्ट? सोशल कॉज। सोशल कॉज, यस। मतलब सोशल कॉज, सोशल कॉज। मैं ज्यादा सपोर्ट तो मीडिया फील्ड को करती हूँ, बिकॉज मैं हूँ इसमें ऑब्वियसली। सोशल कॉज, सोशल कॉज में मुझे जो ज्यादा जरूरी लगता है ना वो स्कूलिंग सिस्टम, फ्री स्कूलिंग सिस्टम स्पेशली गर्ल्स के लिए, जो लोग नहीं, मतलब जो लड़कियाँ नहीं पढ़ पाती उनके लिए फ्री स्कूलिंग सिस्टम। बिल्कुल सही। एक सोशल कॉज जो आपके दिल के करीब है जिसको आप सपोर्ट करना चाहती हैं? ओल्ड होम्स। ओल्ड होम्स, यस। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान में इस मसले पे कोई भी गौर नहीं कर रहा, तो मैं ओल्ड होम को सपोर्ट करूंगी। अच्छा, आप चाहेंगे सारे लोग अपने अम्मा अब्बा को ओल्ड होम्स में भेज दें? नहीं, अक्सर मतलब ओल्ड लोग होते हैं वो रोड्स पे फिर रहे होते हैं और उनको घर से निकाल दिया जाता है, मैं उनके लिए काम। बिल्कुल सही, वेरी ट्रू। जी मिशी बाजवा। मैं सपोर्ट करूंगी जल्दी, हॉस्पिटल फ्री इलाज किया जाए उन लोगों का जिनके पास इतने पैसे नहीं होते। ठीक है, हाँ, ट्रस्ट हॉस्पिटल। ओके जी, मेरे नज़दीक मैं ट्रांसजेंडर के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में उनको एक थर्ड जेंडर दिया जाता है, उनको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ड ही उनके लिए एक गाली, एक अब्यूसिव वर्ड है, ये नहीं करना चाहिए। वो एक ह्यूमन है, हमें इंसानियत को पहले रखना चाहिए और उनके अंदर भी एक यूनिक माइंड है, हमें उनके माइंड को कचरे के डब्बे में नहीं फेंकना। उनकी बॉडी डिफरेंट है लेकिन उनके अंदर माइंड वही है। वो एक डॉक्टर बन सकता है, सिविल इंजीनियर, कुछ भी बन सकता है, पायलट, वो मुल्क को बहुत आगे लेके जा सकता है और हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। फ्री हॉस्पिटल फॉर पुअर पीपल, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी भी कोई ज़िंदगी होती है, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि वो बहुत उनकी बीमारी हुई है और वो महंगे इलाज नहीं करा सकते तो वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं। ओके ओके, ऑडियंस आप लोग अपने अपने हैशटैग शेयर करेंगे, ऑडियंस किसको सपोर्ट करेंगे? दरमियान में आ जाइए। तो ऑडियंस के ख्याल में ENS मॉडल 16 को होना चाहिए। कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सो ऑडियंस का एक बहुत बड़ा वोट 16 को मिल गया है, जो कि एक बहुत बड़ा वेटेज है। इसके अलावा somebody else? नहीं, कितने इस साइड पे हो जाए, इस साइड पे हो जाए, आप लोग थोड़ा सा उस साइड पे हो जाए। कितने लोग 16 को सपोर्ट कर रहे हैं? थोड़ा सा उधर, कितने लोग? ओके, एंड दूसरा नंबर कौन सा कॉल आउट कर रहे हैं आप? नंबर 8। कितने लोग 8 को सपोर्ट कर रहे हैं? कम है, मेजॉरिटी नहीं है। ओके, सो वी विल गो विद 16, जिसको कि ऑडियंस का एक वोट मिला है, ठीक है। एंड ऑडियंस के वोट मिलने से चीजें थोड़ी सी चेंज होती हैं। ओके, सो जजेस का फैसला जो है वो अब मैंने सुनाना है, जिस ऑडियंस की वजह से तो मैं जो फैसला हुआ है ना जजेस का, सॉरी आई डोंट नो। ओके, ऑडियंस के आई गॉट योर पॉइंट सर, आई गॉट योर पॉइंट, बट विद द एडिशन ऑफ ऑडियंस वोट इनकी पोजीशन चेंज होती है। आप लोगों ने जो नंबरिंग की हुई थी उसमें चेंज होता है। अच्छा, मैंने तो सबके वो जो तबसरे थे और सोशल कॉजेस पे और सारा, मैंने अपनी नंबरिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे दोबारा ऊपर नीचे की है। ओके, मेरा शुरू से नंबर फिक्स था, वैसे मैं आपको नंबर कॉल आउट कीजिए, मैं कॉल आउट करती हूँ। इधर आ जाइएगा इकरा वाहिद, यहाँ आ जाइए। इकरा कमल, यहाँ आ जाइए। अरीशा आ जाइए। तलबिया आ जाइए। आप सब लोग इस चेयर के साइड्स पे आ जाइए। दिस इज द ENS मॉडल चेयर, ठीक है।
आप सब लोग इसके साथ पे आइए। नाउ जजेस, आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे इस वक्त के फाइनल राउंड में जिन चार लोगों में कॉन्टेस्ट है वो है नंबर 20, नंबर 17, नंबर 16 एंड नंबर 2। इसमें से हमने ENS मॉडल जो है वो डिसाइड करनी है। Who will wear this crown? आप इधर आ जाए। I think dispute चल रहा है क्योंकि कुछ जजेस किसी को वोट करना चाह रहे हैं, कुछ किसी को वोट करना चाह रहे हैं, तो हम डिस्प्यूट पे हैं अभी, कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए क्या है, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। तुम सब बहुत प्यारी हो, हम एक हफ्ते से तुम लोगों के साथ हैं, इतनी मेहनत की है, इतनी चेंजेस तुम लोगों ने की है, इट्स फैंटास्टिक एंड आई वॉन्ट अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द गर्ल्स। As you are our guests today, हमारे सारे जजेस हमारे साथ रहे हैं चार दिन, उन्होंने चार दिन जजमेंट दिए जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे आए। आप और वाजिद आज हमारे साथ गेस्ट हैं। आई वुड लाइक कि आज आपकी ओपिनियन जो है वो ज़्यादा प्रिवेल करे चार दिनों की ओपिनियन के ऊपर। दीज आर द फोर फाइनलिस्ट। हु वुड यू लाइक टू बी द ENS मॉडल इन योर प्रोफेशनल ओपिनियन? यस, आप बहुत अच्छे फैशन और मॉडलिंग को जानती हैं, आप भी मॉडलिंग की दुनिया से हैं, टेलीविजन स्क्रीन को जानती हैं। गिव मी द नंबर, हु शुड बी द ENS मॉडल? हम नंबरिंग वाइज नंबर वन बता दें अपना। अब नंबर पहले ही नंबर डायरेक्ट बता दें, डायरेक्ट बता दें। फरा एक मिनट पकड़ोगी, होल्ड ऑन। क्या होता है कि फरा इस तरीके से है, हाथ होल्ड कीजिएगा, एक दूसरे के हाथ पकड़े, ठीक है? आप इधर आइए, एक दूसरे का पकड़ेंगे आप हाथ। अरीशा क्या हो गया है, क्या हाथ नहीं पकड़ना है? एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। हाँ, सो हु इज ENS मॉडल? शुड आई कॉल आउट द डिसीजन जो मेरे पास है या उसमें कुछ चेंजेस? मेरे ख्याल से क्या जो जो मेरा पहला डिसीजन था ना, जो मैंने पहले जो मेरा अपना पहला था, यू नो व्हाट, तो मुझे लगता है उसी को होना चाहिए, उसी को होना चाहिए। आपको इन चारों में से कौन लगती है ENS मॉडल? एंड नंबर 16 इज ENS मॉडल। That was your decision? Yes. और यही decision हमारी audience का था। Yes. आप लोग खुश हैं? Yes. Okay. क्योंकि लेकिन patience बहुत जरूरी है। जब मैं makeup सुबह कर रहा था तो बहुत सारी लड़कियां तिलमिल कर रही थी और ये खामोशी से मैंने जो किया वो कर दिया। हाँ। So ये सारी चीजें भी बड़ी मैटर करती, बहुत मैटर करती है। मैं मुसलसल कह रही थी कि ये एक ग्रैंड मनी भी आपके साथ जाए। हमारी ENS मॉडल का पहला प्रोफेशनल पे चेक ए प्लस है, जो कि 25,000 रुपए की आपको दिया जा रहा है। एंड वाजिद, शी हैज अ ब्यूटीफुल स्माइल। अगर कितना भी बुरा दिन हो और अगर प्यारी सी स्माइल आ जाए तो सब कुछ अच्छा होता है। कीप स्माइलिंग। अच्छा, लेकिन चूंकि आप सुन रहे थे कि जजेस मुसलसल कह रहे थे हम कंफ्यूज हैं, हम परेशान हैं, हम सोच रहे हैं, तो उसके मुताबिक कुछ और फैसले जो है वो किए गए और उस फैसलों में ये था कि हम अपने दो और रनर्स अप जो है उनको वो करें। इकरा,
as you are ERS model. So, आपके ख्याल में दोनों में से अब कौन हमारा रनर अप होना चाहिए और कौन सेकंड रनर अप होना चाहिए? किसको तुम देखती हो in your own thinking? अरिशा and honest Fresla. हाँ. तलबिया. So you see Arisha and Talbiya. Judges ka faisla isse fark hai. And I will call out and I'll go with judges' decision. Hamari second runner up hai Ikra Wahid. Ikra will receive the paycheck of 15,000 rupees. Thank you so much. And third ka faisla kya hai? कोई अपने समेत सेव कर सकता है, कोई करना चाहता है? किसको? अरिशा विल सेव हरसेल्फ. ठीक है. आई लाइक अरिशा. अरिशा एंड अरिशा. अरिशा एंड अरिशा. Arisha! चलूं कि आप सबको मिल रहे हैं ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स ए प्लस का, ईएनएस का. आपका एक साल का पेड कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें आप मॉडलिंग करेंगी, आप हमारे साथ रहेंगी रैंप पे. और फिजान का जो ब्रांड है रोज लॉन. यस, रोज. इट्स नॉट रोज लॉन, इट्स रोज क्लोथिंग. क्लोथिंग, ओके. रोज क्लोथिंग, क्लोथिंग का भी आपके पास हमारी ईएनएस मॉडल है एक साल का पेड कॉन्ट्रैक्ट. आप इनके स्टिल शूट्स और इनकी तमाम चीजों कैंपेन्स में आप होंगी. और उसके बाद सिक्स मंथ के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारी और इकरा वाहिद. अरिशा और इकरा के साथ ही आई आल्सो वांट टू अनाउंस वन स्मॉल थिंग. बीइंग अ फैशन एडिटर, आई वांट टू मेक श्योर दैट आई डू एन एडिटोरियल शूट विद दीस थ्री ब्यूटीफुल गर्ल्स. वेरी गुड, ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच, वंडरफुल. तलबिया, गुड लक. यू वर सो स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल ऑन रैंप. सो मैं एडिशनल एक वो करती हूँ रैंप की रानी का वो, एंड यू विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ ईएनएस. हम अपने मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में आपको भी साथ लेकर आया करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. रैंप की रानी. सो मैं ये बताती चलूँ, सब आप सब बहुत खूबसूरत हैं. यू ऑल आर वंडरफुल. इट्स जस्ट कि हमें एक पिक करनी थी. सो उसकी वजह से मैंने कहा मेंटल लेवल, इंटेलिजेंस, इमोशनल, उसकी जो भी फीलिंग्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर की हमें सेलेक्ट करने में अपनी ईएनएस मॉडल. अपना ख्याल रखिएगा, हम आपसे इजाज़त लेंगे इस दुआ के साथ कि आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर है ना. अब आप खुश हो, मुतमईन हो, बहुत वाजिद, यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी. सारा, यू आर हैप्पी. ओके, सो हम लेंगे इजाज़त इसी दुआ के साथ कि आपकी हर सुख खुशगवार हो. मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को.